हाय स्टूडेंट्स सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो अगेन बट इस दिस कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में हमें देखना है आज डेट इक्विटी रेशो क्या होता है ना वॉट डी मीन बाय डेट और इक्विटी डेट मतलब अपना कर्जा इक्विटी मतलब अपना ओन फंड तो हमें रिलेशनशिप फॉर्म करना है कितना मैंने बोरो किया है और कितना मेरा ओन फंड है तो उसका रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए हमें डेट इक्विटी रेशो चाहिए तो चलो देखते हैं सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इन दैट विल सी द डेट इक्विटी रेशियो डेट डेट मतलब अगेन आई एम सेइंग दैट कि मेरा कर्जा मतलब पैसे मैंने कितना बोरो किया हुआ है करेक्ट सो द इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो शोज दैट एग्जैक्टली वॉट सो नाउ लुक हियर सो द फॉर्मूला लाइक दिस टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी अभी यहां पे टोटल डेप का मतलब क्या होता है वो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी पता है शेयर होल्डर का फंड और एज एज वेल द द रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ करेक्ट तो टोटल डेट टोटल डेट मतलब एंटायर मेरे बिजनेस का कर्जा एंटायर मेरे बिजनेस का कर्जा जो होगा वो वो करंट होगा या नॉन करंट होगा डजेंट मैटर बट द आई हैव टू है सारा का सारा बोरोइंग देखो वो वो भी मैं लिख के देता हूं और दूसरा आता है कि लॉन्ग टर्म डेट शेयर होल्डर्स इक्विटी तो यहां पे रिलेशनशिप वही है डेट और इक्विटी का बट द फर्स्ट फॉर्मूला सेज दैट कि आपको टोटल डेट का रिलेशन लगाए मतलब पूरा कर्जा वो करंट हो या नॉन करंट हो और लॉन्ग टर्म डेट में ओनली नॉन करंट है लॉन्ग टर्म डेट में ओनली नॉन करंट लॉन्ग नॉन करंट मतलब उसका पीरियड ज्यादा है लोन का पीरियड ज्यादा है मतलब मोर मोर देन देन ईयर ईयर होगा होगा तो वो लॉन्ग टर्म डेट कहलाता है करेक्ट तो टोटल डेट में करंट एज वेल एज नॉन करंट और लॉन्ग टर्म डेट में ओनली नॉन करंट डेट कंसिडर होता है ठीक है तो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स मे भी आपको मेरा टर्म्स जो मैं बता रहा हूं मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा बट लेसन डोंट वरी अबाउट दैट आगे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम में आपको 101 परसेंट समझ में आ ही जाएगा तो देखो <coughs> टोटल डेट का मतलब हम लेते हैं यहां पे सो टोटल डेट मतलब क्या है सो लुक हियर, आपको दिखाई देगा करंट डेप्ट प्लस नॉन करंट डेप्ट तो आपके दिमाग में आया होगा कि वॉट यू मीन बाय करंट एंड वॉट यू मीन बाय नॉन करंट पहले ही कुछ सम्स में हम कर चुके हैं करंट डेप्ट मतलब करंट लाइबलिटीज नॉन करंट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब लोन्स मोर मोर देन देन ईयर ईयर वाले वाले और करंट मतलब लेस देन ईयर वाले करेक्ट okay. उसके बाद शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब क्या होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड एसप्लस माइनस एसेट इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉब्लम में दिया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो भी प्रॉफिट बचा हुआ होता है जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई रिजर्व फंड होता है वो ऑल दो बिलोंगिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स क्यों क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द को ओनर ऑफ द कंपनी करेक्ट तो उनके बिलोंगिंग होते हैं वो उन्हीं को देना चाहिए तो पहली चीज यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि टोटल डेप तो मैंने समझाया तो लॉन्ग टर्म आप कहोगे कि, कि सर लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या उधर ही देखिए लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट डेप्ट आपके आपके सामने प्रॉब्लम आएगा ना तब ये सारी चीजें खुल जाएगी ठीक है तो ये रेशो आपको एग्जैक्टली exactly क्या समझाना चाहता है तो लेसन या हाई डेट इक्विटी रेशो मीन मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज डिपेंड अपॉन द बोरिंग लिखा है डिपेंडेंट ऑन द डेप्ट डेप्ट मतलब बोरिंग मतलब कर्जा हाई रेशो होगा तो मैं ज्यादा कर्जे पे डिपेंड करता हूं और लोअर रेशो होगा तो खुद के पैसे पे डिपेंड करता हूं हाई रेशो होगा तो लोगों के पैसे पे डिपेंड करता हूं और लोअर डेट इक्विटी रेशियो रहेगा तो यहां पे लिखा है दिस द प्रोसीजर ऑफ फॉर प्रोजिशन बिकॉज ऑफ द द ओनर्स फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस सो मोस्ट ऑफ द द बिजनेस बाय ओनर फंड ये आपको बता रहा था कौन लोअर डेट इक्विटी रेशो तो एक काम करते हैं ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला आ गया आपके पास चलो इसके ऊपर एक कोई छोटा सा प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं सो क्या होगा आपको अंडरस्टैंड होने के लिए इजी हो जाएगा लिसन नेक्स्ट शीट में चलते हैं सो so यहां पे क्या आता है प्रॉब्लम सो फर्स्ट इज वॉट एग्जाम्पल फोर इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड कंप्यूट द डेट इक्विटी रेशियो तो चलो पहले बैलेंस शीट देखते हैं आराम से धीरे धीरे कोई जल्दी नहीं हमें देखो आपके सामने बैलेंस शीट आ रहा है सो बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑफ द बी लिमिटेड लैबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट आपके सामने दिख रहा है अभी बच्चों देखो शेयर कैपिटल दिख रहा है वी आर अज्यूमिंग दैट कि वो शेयर कैपिटल कौन सा इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल है रिजर्व एंड सरप्लस भी है ना फिफ्टी थाउजेंड का तो जो दो ग्रीन कलर के बेल्ट आपको दिख रहा है वो है मेरा शेयर होल्डर्स फंड जो ग्रीन कलर का बेल्ट आपको दिख रहा है वो है मेरा शेयर होल्डर्स फंड और नीचे लिख रहा है कि लोन फ्रॉम बैंक 10% परसेंट डिवेंचर जो ब्लू कलर का बेल्ट है जो ब्लू कलर की स्ट्रिप है जो येलो कलर के फिगर्स है वो है मेरे लॉन्ग टर्म डेट्स लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब बट ऑबियसली लोन मेरा बैंक से लोन लिया है वो मोर देन वन ईयर है डिबेंचर का पीरियड भी मोर देन वन ईयर है तो वो वो मेरे डेट है मतलब वो मेरा कर्जा है एंड क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस आर करंट स्टैंडिंग मतलब करंट डेट और लोन लोन फ्रॉम बैंक एंड टेन परसेंट डिबेंचर इज अ नॉन करंट डेप्ट देखो उसका टोटल भी मैंने आपके सामने लिया है लेसन लुक शेयर होल्डर्स इक्विटी उज फिफ्टी थाउजेंड टू लाख ट्वेंटी देखो ग्रीन कलर ग्रीन कलर मैंने दिया है। पिंक कलर। सो टोटल टोटल कैसे आता दियाट तो देखो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड लोन फोर्टीन थाउजेंड डिबेंचर ट्वेंटी टू थाउजेंड क्रेडिटर्स ट्वेंटी टेन थाउजेंड आउटस्टैंडिंग एडिशन ऑफ ऑल दिस इज वन लैख ट्वेंटी and the 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 blue color one is is what long 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 term 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 debts debts only plus it it will 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 be a that will be be a a that that my long -term debt or that will be the my non current debt also तो तीनों भी फिगर मेरे पास आ गया अबे चलो उसको कंप्यूट कर दे बच्चों तीनों भी फिगर के अकॉर्डिंग तो पहला आ गया मेरे पास क्या डेट इक्विटी रेशियो कौन सा टोटल डेट वाला वही दो फॉर्म ले वहां पर टोटल डेट शेयर होल्डर्स इक्विटी ओके तो टोटल डेट कितना है ऊपर जाइए देखिए पिंक कलर में देखिए आपको टोटल डेट मिलेगा सो लुक हियर दिस वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इज माई टोटल डेट एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी इज टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो फाइनली आई गॉट द आंसर जीरो पॉइंट फाइव सिक्स डबल फोर टाइम्स सो इट मीन्स इट शोज दैट वॉट की मेरा बिजनेस और ये कह सकता हूं कि ओन फंड और बोरिंग फंड के बीच का रिलेशनशिप ये है कि 56% परसेंट है तो इसका मतलब है कि मैं बोरो यूज करता हूं बट ओन फंड के 56 टाइम्स यूज़ करता हूं करेक्ट मतलब जीरो मैं बोरोइंग यूज करता हूं बट ओन फंड के 0.56 टाइम्स मतलब 56 परसेंटेज मतलब मेरा सौ रुपया हो खुद का सौ रुपया हो मान लीजिए मेरा खुद का सौ रुपया तो मैं कर्जे से कितना लेता हूं फिफ्टी सिक्स रुपीज खुद का सौ रुपया कर्जे से कितना लेता हूं फिफ्टी सिक्स रुपीज तो ये रिलेशनशिप बता रहा मेरे खुद के फंड के रिलेशन में टोटल डेट कितना है तो मेरा खुद का फंड कितना है टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और बाहर का फंड कितना है वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड तो यहीं पे पता चल रहा है ना बच्चों आधा मतलब मैं सौ रुपए लगाता हूं तो आधा मैं कहां से लेके आता हूं मेरे से आधा कहां से लेके आता हूं बाहर से लेके आता हूं तो बचा हुआ फॉर्मूला क्या रहेगा वो देखो डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी में और जो भी आता है जीरो पॉइंट थ्री समथिंग आ रहा है आंसर तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाए लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाए तो उसमें ऐसा पता चल रहा है कि मेरा मेरे फंड के मतलब मेरा जो फंड है खुद का जो फंड है उसके ओनली थ्री पॉइंट समथिंग परसेंटेज ही क्या है बाहर का फंड है तो मतलब मैं सबसे ज्यादा कम फंड यूज करता हूँ तो यहां पे क्या हो रहा है मेरा रेशो रहा है मेरा रेशो आ रहा है इसका मतलब मैं ओन फंड ज्यादा यूज करता हूं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लॉन्ग टर्म फंड करेक्ट तो ऐसा कोई डिफिकल्ट कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला इसीलिए मैंने आपको सम भी करवाया था ठीक है बच्चों तो यहां तक था डेट इक्विटी रेशियो का सो so द अगले शीट में अगले वीडियो में वी विल सी द नेक्स्ट वन तब तक के लिए बच्चों थैंक यू और लाइक और शेयर करना मत भूलना ओके बच्चों थैंक यू स्टूडेंट्स सो so चलो एक नया रेशियो लेके आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का अगेन कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो तो यहां पे आ गया एज यूजुअल अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो जो हम पढ़ने वाले हैं पढ़ते हैं

उस उन दोनों का रिलेशनशिप क्यों फॉर्म करना है तो मैं ये फॉर्म करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ या आई एम टेलिंग आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू कि मेरा एसेट कितना कर्जे में डूबा हुआ है मेरा एसेट कितना कर्जे में डूबा हुआ है डूबा हुआ मतलब ऐसा एज एज सच डायरेक्टली हम बोल नहीं सकते बट कर्जे से कितना फाइनेंस है ऐसा तो हमेशा बोल ही सकते मतलब हंड्रेड बोल ही सकते हैं कि मेरा पैसा मेरा एसेट कितना कर्जे से फाइनेंस है कर्जे से फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि कर्जे से पैसा उठाया और वो एसेट में इन्वेस्टमेंट किया उसका यही मतलब होता है तो आइए उसमें ये लिखते हैं टोटल डेप्ट अपॉन द टोटल एसेट ये फॉर्मूला आ गया व्हाट डू मीन बाय टोटल डेप्ट तो करंट डेट प्लस नॉन करंट डेट ये आ जाता है टोटल डेट का डेफिनेशन कि हाँ टोटल डेट में और पहले से हम ये देख चुके हैं उसके बाद नॉन करंट डेप्ट प्लस करंट एसेट तो यहां पर यह होता है कि नॉन करंट डेप्ट गलती से पढ़ा मैंने नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा टोटल डेट और टोटल एसेट टोटल डेप्ट करंट डेप्ट प्लस नॉन करंट डेप्ट और यहां पे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट अभी नॉन करंट एसेट मतलब कौन सी तो नॉन करंट एसेट मतलब दूसरी कोई नहीं बच्चों मेरी फिक्स एसेट्स

इस फॉर्मुला का मैंने आपको इंटरप्रिटेशन भी बता दिया कि मेरे कितने एसेट्स डेप्ट से फाइनेंस्ड है ये सीधा सीधा यहां पे इंटरप्रिटेशन निकलता है बट चलो एट द मतलब ये हमें समझना है तो इसके लिए एग्जांपल जरूरी है तो चलो एग्जांपल लेते हैं भाई तो एग्जांपल फिफ्थ क्या कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द बाबा लिमिटेड सो द कंप्यूट द टोटल डेप्ट ऑन द टोटल एसेट रेशो तो उसके लिए आई वॉन्ट अ बैलेंस शीट तो ये देखो मेरे पास बैलेंस शीट आ गया तो बैलेंस शीट ये कहता है कि शेयर कैपिटल 170 रिजर्व 50,000 लोन 56 आई थिंक वो प्रीवियस प्रॉब्लम जो था उसी का बैलेंस शीट कह रही है सो so, टेन परसेंट डिबेंचर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग तो इसमें क्या है ना बच्चों मेरा जो ये देखो, ये देखो लोन फ्रॉम बैंक और डिबेंचर दिस इज माई नॉन करंट मतलब क्या जो हमेशा चेंज नहीं होता उसको नॉन करंट डेप्ट कहते हैं और क्रेडिटर बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरी कौन सी है करंट डेप्ट तो टोटल एसेट कौन सी होगी अरे टोटल एसेट यही तो रहेगी ये देखो फिक्स एसेट स्टॉक डेटर ये सारी ये देखो नॉन करंट एसेट यहां पे देखो कर्सर पे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसिट बोला तो करंट एसेट में कौन आता है एसेट एसेट आता आता है है करंट में कौन स्टॉक आता है डेटर आता है बिल आता है कैश आता है बैंक बैलेंस आता है प्रीपेड मतलब नथिंग बट वॉट थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड इज द टोटल एसेट आउट ऑफ थ्री लैख फिफ्टी टू थाउजेंड से मतलब इस एसेट को मेरे डेप्ट ने कितना फाइनेंस किया हुआ है मतलब मैंने कर्जे से कितना फाइनेंस हो चुका है ये मुझे निकालना है तो चलो निकालते अगले पेज पे उसका फॉर्मूला भी देखते हैं सो so, आइए यहां पे अभी फॉर्मूला देखते हैं कि क्या बताया तो देखो सो so, यहां पे क्या लिखा है करंट डेप्ट प्लस नॉन करंट डेप्ट वही फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट तो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपका सबकी टोटल कैसे आती है सो लुक करंट डेप्ट का मतलब क्या होता है करंट डेप्ट इज इक्वल टू द द्वेंटी टू थाउजेंड प्लस ट्वेंटी आपने वो बैलेंस शीट का कुछ लिखा होगा तो आपको समझ में आएगा प्रीवियस शीट में वो बैलेंस शीट था करेक्ट ये सारी कुछ नहीं है करंट डेप्ट मतलब करंट लैबिलिटीज की टोटल है क्रिएटर बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग वेजेस की उसके बाद नॉन करंट डेप्ट में क्या आता है 56,000 प्लस 14,000 ये है अपना बैंक लोन एंड डिबेंचर का टोटल 70,000 मतलब 57,000 प्लस 70,000 इट माय टोटल डेप्ट फिर नॉन करंट एसेट में क्या आता है नॉन करंट एसेट में ओनली एंड ओनली वन लैख एटी थाउजेंड दैट विल बी द माय फिक्स एसेट्स और करंट एसेट में कौन सा कौन सा आता है तो करंट एसेट में आई गॉट द टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट स्टॉक डेटर Bill receivable, Cash Cash at Bank, cash in Hand and Prepaid Insurance. The total of बिल रिसबल कैश एट बैंक कैश इन हैंड एंड प्रीपेड इंश्योरेंस द thousand. पहले से बोल चुका था कि वो जो asset का सब total आता है ना वही आपकी total asset बनेगी और क्या हो सकता है Total asset वही तो होती है ना balance sheet में और ये debt. तो चलो उसके according तो formula क्या बनता है Total debt upon the total assets. वॉट डी मीन बाय टोटल डेप्टॉट डी मीन बाय टोटल फिफ्टी सेवन थाउजेंड प्लस सेवनटी थाउजेंड एंड वन लाख एटी थाउजेंड प्लसेंड इट कम लैख ट्वेंटी 352। 1,27,000 और थ्री फिफ्टी टू का मतलब होता है कि मेरा एसेट 50% परसेंट फाइनेंस बाय डेप मेरा एसेट 50 फाइनेंस 50 मतलब मैंने अप्रोक्सीमेट ग्रॉसली बताया देखो ना 352 है और 127 है तो कितना आंसर आएगा सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया 0.3608 टाइम्स 0.3608 टाइम्स का मतलब ये होता है कि 36 परसेंट 36 का पोर्शन जो एसेट का पोर्शन है वो फाइनेंस बाय कर्जे से है मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना 36 परसेंट मेरा बिजनेस कर्जे पे चलता है बचा हुआ बिजनेस खुद के फंड पे चलता है ओन फंड पे करेक्ट 36 सिक्स परसेंटेज मेरा बिजनेस कर्जे पे चलता है और कितना परसेंटेज बचा हुआ परसेंटेज मेरा खुद के पैसे पे चलता है तो ये आपको इतना ही बताता है इंटरप्रिटेशन बहुत इजी है कि मेरे एसेट मेरे एसेट मतलब मैं आज भी एसेट बेच दूंगा तो उसमें से 36 मेरा डेप्ट है उनको देना पड़ेगा बचा हुआ मेरा रहेगा करेक्ट तो यही था बच्चों टोटल डेप्ट एसिड रेशो सो प्लीज अगेन वंस अगेन लाइक करना मत भूलना शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स तो जरूर देना बच्चों क्योंकि कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल टू अस चलो बच्चों थैंक यू हाय स्टूडेंट्स अगेन विल टेक द वन कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो अभी ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या बताता है तो एक्चुअली ये कैपिटल रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशा हमें बताने की कोशिश करता है कि हमारा फिक्स अर्निंग वाले जो होते हैं फिक्स अर्निंग वाले कौन होता है एक तो प्रेफरेंस होते हैं कि इनको डिविडेंड मिलता है मतलब मिलता है वो भी कैसे होता है कि फिक्स रेट से मिलता है फिर डिबेंचर होल्डर्स होते हैं कि उनको इंटरेस्ट मिलता है वेदर देर इज अ प्रॉफिट और नॉट मैं डिबेंचर की बात कर रहा हूं और लोन होता है उनको भी इंटरेस्ट मिलता है वेदर देर इज अ प्रॉफिट और नॉट तो ये जो फिक्स्ड बेयरिंग होता है फिक्स बेयरिंग सिक्योरिटीज कहते हैं उनको उनका रिलेशनशिप लगाना है ओन फंड से उनका रिलेशनशिप लगाना है किससे ओन फंड से उसको कहते हैं कैपिटल गेयरिंग रेशो तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में कैपिटल गेयरिंग रेशो तो मतलब गेयरिंग का नॉर्मली गेयर कैसा होता है अपना जो गाड़ी का गेयर होता है ना जैसा हम रेस करते हैं तो वो गेयर होता है तो वो गेयर के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज होता है ये और नो सो द सेम लाइक दैट मेरे बिजनेस में खुद का फंड जो मैं लगाता हूं उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिले ना मिले मैं सोचता नहीं ज्यादा क्यों क्योंकि मुझे बिजनेस चलाना है आई वॉन्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि प्रॉफिट में बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए कंफर्म ये 101 परसेंट बात सही है सबकी कि प्रॉफिट होना ही चाहिए बट कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि बिजनेस चलाना मार्केट में सर्वाइव करना तो अपने ओन फंड वालों का यही होता है कि चलो प्रॉफिट मिले ना मिले बट मार्केट में सर्वाइव कर सके यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी तो जब मैं ये सैक्रिफाइस कर सकता हूं बट फिक्स्ड इनकम वाले सैक्रिफाइस नहीं करते वो क्या कहते हैं कि मैंने आपको पैसा दिया ना तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड कहते कि मैंने पैसा दिया है मुझे प्रेफरेंस चाहिए ओके तो उसका रिलेशनशिप जो फिक्स इनकम वाले होते उनका रिलेशनशिप जो नॉन फिक्स जैसे कि ओन फंड वालों से क्या करना है हमें मैच करना है तो वो रिलेशनशिप का फॉर्मूला लगाना है बाकी कुछ नहीं है तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवेंचर एंड लोन ये सबके लिए इंटरेस्ट मिलता है डिविडेंड मिलता है अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंस प्लस माइनस लॉसेस तो ये बन जाता है कैपिटल गेयरिंग रेशो की मेरे कैपिटल में एग्जैक्टली exactly कितना फिक्स्ड है और कितना ओन फंड है ऐसा मैं फिक्स गेयरिंग फंड कितना है फिक्स गेयरिंग फंड मतलब उनको देना है मतलब देना ही है नहीं तो वो बहुत दिमाग खाएंगे अपना और जो हम है कि हम सब बिजनेस सर्वाइव करने की सोचते तो ऐसा कैसा रोशी है? वो उसको कहते हैं कैपिटल कैपिटल गेयरिंग गेयरिंग सपोज ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपका फिक्स ऑब्लिगेशन ज्यादा है सपोज मान लीजिए कि आपके ये फंड ज्यादा है खुद के फंड से तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है लोगों को क्यों क्योंकि आपका फिक्स्ड जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है क्यों डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्रेफरेंस वाले शेयर्स वाले को डिविडेंड देना पड़ेगा तो मतलब ये ज्यादा फंड रहेगा तो आपका ऑब्लिगेशन भी उतना बढ़ेगा और ये ज्यादा फंड रहेगा तो आपका ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि खुद को फंड मिले ना मिले हम पहले ये सोचते कि बिजनेस को सर्वाइव करें अंडरस्टूड आगे वाली चीज तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि उसमें इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विटी कैपिटल

उसके बाद आती है एक चीज इट बीट सॉरी इट इज बेस्ट वे टू इवेल्युएट फिटनेस इट इज वे फिनेंशियल पोजिशन मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन चेक करना है तो दिस इज द बेस्ट वे कि कितना आपका फंड है और कितना बाहर का फिक्स कैटेगरी का, का फंड है तो बच्चे काम करते हैं ना इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेते हैं फटाफट -फड़ अच्छा सा समझने के लिए तब तक के लिए देखते नेक्स्ट वीडियो में सोहाय so, चलो एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं कैपिटल गेयरिंग रेशो पे तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जैक्टली कैपिटल गेयरिंग रेशो बिहेव कैसे करता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल सिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बी लिमिटेड कंप्यूट द कैपिटल कंप्यूट द कैपिटल गेयरिंग रेशो ये देखो आपके पास अच्छे से बैलेंस शीट आ गई और मैंने जो आपको जो कलरफुल टैप किया ना वो देखिए शेयर कैपिटल के लिए ऑरेंज कलर है और बाकी दो के लिए पिंक कलर है तो शेयर कैपिटल प्लस इनको 12% उसके बगल में देखिए कि वो 12% परसेंट और 10% परसेंट जो लिखा है ना वो क्या बताता है कि प्रेफरेंशियल को बारह परसेंट आपको डिविडेंड देना है मतलब देना ही है और डिबेंचर को टेन आपको इंटरेस्ट देना है मतलब देना है उनका फिक्स इनकम बेरिंग है वो

एट टाइम्स का मतलब है कि इन शॉर्ट फोर्टी परसेंट ऑफ माय फंड फोर्टी परसेंट ऑफ माय फंड माय फंड मीन ओन फंड फोर्टी परसेंट ऑफ और मतलब बचा हुआ तो क्या मेरा ही है ना तो मेरे मतलब मैं ऐसा हूं कि मेरे फंड के फोर्टी परसेंट सिर्फ मेरे फंड के फोर्टी परसेंट सिर्फ मैं कौन सा यूज करता हूं बाहर का फंड यूज करता हूं जो कि मुझे फिक्स ऑब्लिगेशन है तो इसका मतलब है कि मेरा फिक्स ऑप्लीकेशन बहुत कम है इसका मतलब है कि मेरा फिक्स बहुत कम है तो इन्वेस्टर मेरा इन्वेस्टर मेरे बैलेंस शीट पे पे ध्यान रखेगा क्यों क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा पैसा जो लगा हुआ है वो खुद का पैसा लगा हुआ है देखिए ना खुद का पैसा 225 है और जिनको फिक्स इनकम देना है वो 92,000 है तो इसका मतलब है कि बहुत कम बेस पे मतलब बहुत खुद का पैसा लगा के बिजनेस में चला रहा हूं यही इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है तो बच्चे यहाँ पे खत्म हो गया तो अगले वीडियो में हम अगले रेशर्स देखेंगे तब तक के लिए बच्चों थैंक यू और हाई करना मत भूलना और कमेंट्स डालना मत भूलना ओके बच्चों चलो थैंक यू